ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और फोटोज आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट पांडा की खूबसूरती को आप नकार नहीं सकते। अपनी बेमिसाल रंग और छवि शरीर के चलते पांडा को दुनिया के सबसे प्यारे जीवों में से एक माना जाता है। हालांकि दुनिया में पांडा की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जायंट पांडा अपने रूप रंग के चलते सभी जीवों में सबसे खास है। चलिए एक नजर डालते हैं इस जीव से जुड़ी कुछ बातों पर। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं एनिमल्स वाइंस। जायंट पांडा। जायंट पांडा चीन के मूल निवासी हैं, जहां इन्हें राष्ट्रीय खजाने के रूप में देखा जाता है। स्थलीय जानवर होने के नाते ये अपना सारा जीवन बांस के जंगलों में घूमने और सोने में बिता देते हैं। चीन में इस जीव को भले ही खास दर्जा प्राप्त है, लेकिन एक समय था जब इनकी संख्या में भारी गिरावट देखी गई थी। हालांकि चीन के लगातार प्रयास के चलते इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन आज भी ये प्रजाति दुनिया की सबसे दुर्लभ और एंडेंजर्ड बियर्स में से एक है। आज जंगलों में इनकी संख्या 1864 है। साइज, डाइट एंड हैबिटेट। कई साल तक वैज्ञानिकों में ये बहस चलती रही कि क्या पांडा एक तरह के बियर हैं या रैकून, लेकिन जेनेटिक स्टडी के बाद ये बात साफ हो गई कि पांडा एक बियर है। जायंट पांडा को आमतौर पर ग्रेट पांडा, पार्टी कलर्ड बियर्स, बैम्बो बियर्स और व्हाइट बियर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस जीव को इसके बड़े आकार और अनोखे रंग की वजह से पसंद किया जाता है, लेकिन बता दें कि इसके काले और सफेद फर केवल दिखावे के लिए नहीं होते, बल्कि ये बियर के बीच कम्युनिकेशन का काम करते हैं। साथ ही ये उन्हें जंगलों में कैमोफ्लॉज करने में मदद करते हैं। बांस के घने जंगलों में पांडा लगभग इनविजिबल हो जाते हैं। ये आकार में भारी भरकम होते हैं। ये 6 फुट लंबे और 250 किलोग्राम तक भारी होते हैं। इनका आकार एक अमेरिकी काले भालू के समान होता है। पांडा का शरीर पहाड़ियों में रहने के हिसाब से विकसित होता है। मोटी ऊन जैसी फर उन्हें न केवल बर्फीली ठंड से बचाती है, बल्कि गर्मी भी देती है। पांडा के पंजे में नोकदार उंगलियों के अलावा एक हड्डी भी होती है, जो अंगूठे का काम करती है। ये उन्हें मजबूत पकड़ प्रदान करती है। उनके पैर सपाट होते हैं और वे आसानी से पेड़ या पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। हालांकि इनका शरीर भारी होता है, लेकिन हड्डियां लचीली होती हैं। पांडा को मीठा खाना बेहद पसंद है। चीन के वैज्ञानिकों ने पांडा के डीएनए की रिसर्च के बाद पता लगाया कि उसमें आज भी मीठे स्वाद के रिसेप्टर जीन हैं। पांडा का मुख्य भोजन बैम्बू स्टिक्स है, और शायद यही वजह है कि पांडा चीन के माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, जहां बैम्बू के घने जंगल होते हैं। ये जंगल काफी ठंडे और गीले इलाके होते हैं। क्यूट से जायंट पांडा देखने में जितने मासूम लगते हैं, उतने ही सुस्त होते हैं। बैम्बू को लेकर पांडा की भूख कभी नहीं मरती, और ये दिन में 12 घंटे बैम्बू खाने में बिता सकते हैं। दरअसल आकार में बड़े होने के कारण इस जीव को ज्यादा खाने की जरूरत होती है, और बांस में पोषक तत्व बेहद कम होते हैं। ऐसे में इसे दिन में 20 किलोग्राम बैम्बू खाने की जरूरत होती है। इसलिए ये पांडा दिन में 10 घंटे नींद लेता है और बाकी समय बैम्बू खाता है। विशेषज्ञों के अनुसार पांडा भले ही आज शाकाहारी हों, लेकिन इतिहास में इनके पूर्वज शायद मांसाहारी रहे होंगे। वे खरगोश, चूहे, मछली जैसे जीवों को भी खाते रहे होंगे, लेकिन जब ये जीव पहाड़ी इलाकों में रहने लगे तो उन्हें इस क्षेत्र में केवल बैम्बू स्टिक्स खाने को मिलने लगी। ऐसे में इनका शरीर बैम्बू स्टिक्स का आदि हो गया। पांडा लाइफ। पांडा बेहद शर्मीले जानवर हैं। इनका स्वभाव काफी शांत प्रिय होता है, और ये ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। जायंट पांडा अपनी प्रजाति के दूसरे पांडा के आसपास रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनके भीतर दूसरे पांडा की स्मेल को भांपने की कला होती है, जो उन्हें ये बताती है कि आसपास कोई दूसरा पांडा मौजूद है। ऐसे में पांडा एक दूसरे की खुशबू पहचान लेते हैं और अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पांडा का अपना क्षेत्र होता है, जो कि 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होता है। अपने क्षेत्र को मार्क करने के लिए ये अपनी पूंछ से खास किस्म की सुगंध छोड़ते हैं, ताकि पांडा उसकी गंध सूंघकर जान जाएं कि ये क्षेत्र किसी दूसरे पांडा का है। साथ ही साथ ये जीव भी दूसरे पांडा के क्षेत्र में अतिक्रमण कर लड़ाई मोल नहीं लेता। पांडा दिन में छिप कर रहते हैं और रात को बाहर निकलते हैं। जायंट पांडा दूसरे बियर्स की तरह हाइबरनेट नहीं करते, बल्कि तापमान गिरने पर ये पहाड़ों के नीचे आकर अपने आप को गर्म इलाके में छिपा लेते हैं और पूरी सर्दी वहीं रहते हैं। इसके अलावा पांडा के रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये 6 से 7 साल की उम्र में रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, और आमतौर पर हर 2 साल में बच्चों को जन्म देते हैं। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि पांडा में मेटिंग कैपेबिलिटी काफी कम होती है। मादा पांडा 2 साल में सिर्फ 1 बार ही बच्चे को जन्म देती है,
पांडा मार्च से मई के महीने में मेट करते हैं और 5 महीने बाद बांस के घोंसलों में बच्चों को जन्म देते हैं। जंगलों में पांडा का जुड़वा बच्चों को जन्म देना काफी रेयर है, लेकिन ये जू में अक्सर 2 बच्चों को जन्म देते हैं। जायंट पांडा के बच्चों की अगर बात करें तो ये अंधे पैदा होते हैं और जन्म के 6 से 8 सप्ताह बाद ही अपनी आंखें खोलते हैं। जन्म के वक्त इनका आकार 15 सेंटीमीटर होता है और ये अपनी माँ के आकार का लगभग 1.900 होते हैं। बेबी पांडा गुलाबी पैदा होते हैं और बाद में ये ब्लैक और व्हाइट में विकसित हो जाते हैं। इस जीव के बच्चे 18 महीनों तक अपनी माँ के साथ रहते हैं और उसके बाद अपनी खुद की टेरिटरी बसाने के लिए उनसे अलग हो जाते हैं। जंगलों में महज 1864 पांडा ही बचे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की कोशिशों के बावजूद पिछले 10 साल में इनकी संख्या में मात्र 17% की बढ़ोतरी हुई है। पांडा एक मासूम जानवर है जिसका ख्याल छोटे बच्चे की तरह रखना पड़ता है। अपनी भोली शक्ल के लिए लोकप्रिय पांडा चीन में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।